भाई तकरीबन बज गए हैं 12 और पूरा रिलैक्स हो रहा है यहाँ पे। शाम को जब बारिश बंद हो गई थी उसके बाद बारिश स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, और ऐसा कोई ऐसा कोई गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। हम जब डेकोन वैली से तपोवन की ऊपर तरफ विलेज में गए थे ना, जहाँ पे वो वाटरफॉल था और फिर आगे कैंप थे, तो वहाँ पे ना मतलब काफ़ी उमस थी। तो जोनी भाई भी बोल रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी उमस है, लेकिन जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ से टेरेस से पूरा व्यू आता है, और मेरे कमरे पे यहाँ पे उमस नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे पानी आसपास नहीं है। मेरे ख्याल से पानी से भी उमस बनती है, और जहाँ पे क्लोज्ड वहाँ पे ना काफ़ी घना जंगल था, पानी था, तो उमस क्रिएट हो रही थी। और जहाँ पे हमें यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट इन्वायरमेंट है, और हमने जो कैमोमाइल टी लाए हैं वो जोनी भाई गए हैं किचन में उसको बनाने, रात में ही पीते हैं एज पर जोनी भाई, तो अब पीते हैं और वो ला रहे हैं बना के, पीते हैं फिर सोते हैं। यहाँ पर आ गई अपनी कैमोमाइल टी, एक में से दो बन गई है, बस क्या करा पानी गर्म किया होगा और चीनी भी डाली है। अच्छा बस गर्म पानी में ही डाल दो, अब देखते हैं भाई कैसी नींद आती है, कैसा माइंड को रिलैक्स करती है, महसूस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इन चीज़ों में मैंने पहले मैं कभी विश्वास किया नहीं है, मैंने कहा क्या सही में विश्वास वर्क करती है, करती होगी भाई, क्योंकि मेरे स्पेन के फ्रेंड हैं वो तो बोलते हैं वो पीते हैं। कैमोमाइल टी बहुत अच्छी लगी, पी सकता है आदमी, फर्स्ट टाइम पी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फर्स्ट टाइम पीते हैं लेकिन उसका टेस्ट मतलब फॉर्म करने में टाइम लग जाता है, हैबिट बनाने में, लेकिन ये तो गजब स्मूथ लगी बहुत ज़्यादा। सोते हैं, मिलते हैं कल, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6:45, मौसम ऑलमोस्ट क्लियर है, बादल काफ़ी आए हुए हैं, और इस वाले पहाड़ पर तो देखो फॉग भी कितनी तेज़ी से चल रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। 12 बजे के करीब संदीप का फोन आ गया था कि सुबह चंडीगढ़ चलना है, जिसके लिए मैं रेडी था, तो 7 बजे मुझे उसके अपार्टमेंट में पहुंचना है। सिर्फ 10 मिनट रह रही है, निकलते हैं संदीप के पास उसके अपार्टमेंट में और चलते हैं चंडीगढ़। तो पहुंच गया हूं संदीप के अपार्टमेंट पे, देखते हैं कितना है। BMW कृष्णा ऑटोमोबाइल चंडीगढ़, 4.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 248 किलोमीटर। निकलते हैं भाई थोड़ा सा नाश्ता करके यहाँ पे। तो नाश्ता कर लिया है और बज रहे हैं 7:30, गूगल मैप दिखा रहा है अभी भी 4.5 घंटे का रास्ता, अभी भी चलेंगे तो 12 बजे के तकरीबन चंडीगढ़ पहुँचेंगे BMW शोरूम। चलो भाई खुल गए डेकोन के गेट, निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। गूगल मैप 4.5 घंटे दिखा रहा है, अब देखते हैं गूगल मैप को बीट कर पाते हैं। वैसे तो नॉर्मली अगर बिना रुके चले तो 100% उसको बीट कर देते हैं 40-45 मिनट से, लेकिन देखते हैं। निकलते ही ट्रैफिक जाम मिल गया भाई। लग तो रहा है जैसे आज भी बारिश आएगी। तो फिर ये वाली रोड है ना, ये रामझुला के पास वाली, ये थोड़ी घनी अंधेरा सा रहता है इसमें। ऋषिकेश के विक्रम वालों का आतंक देख लो भाई। इतने आदमी नहीं है जितने विक्रम ही विक्रम दिख रहे हैं, पूरी मंडी लगी हुई है। चंद्रभागा पुल, और भाई रिवर चल रही है बहुत तेजी से, इसके बराबर में स्लम एरिया रहता है यहाँ पे, ये अभी और भी तेज बारिश आएगी तो ये सब हट जाएगा भाई। ये लेबर मंडी है, यहाँ पे सब आते हैं लेबर को हायर करके निकल जाते हैं, यहाँ पे पेंटर मिलेंगे, प्लम्बर मिलेंगे, मजदूर मिलेंगे, मेरठ में भी खड़े होते हैं, हर हर शहर में खड़े होते हैं, देहरादून में खड़े होते हैं घंटा घर के पास। एक होटल ये खुल गया भाई, कितना तगड़ा। ऋषिकेश की डिमांड देखो भाई, आखिर वर्ल्ड योगा कैपिटल है, कोने कोने में योगा आश्रम है, क्या बात है भाई का, भाई का जलवा देखो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नेफाली फार्म का फ्लाई ओवर है ये, ठीक है, से जो जा रहे हैं उनके लिए नीचे से है, जो उधर से आ रहे हैं उनके लिए ऊपर से, और ये राइट में जा रहा है देहरादून। एक फ्लाई ओवर ये है हरिद्वार में, रेलवे लाइन ना उसके ऊपर से जा रहा है। मुझे लगा हरिद्वार में सारे फ्लाई ओवर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन भाई ये तो ये वाला इन्होंने बनाया ही नहीं, पता नहीं क्यों अधूरा छोड़ा हुआ, और मुझे लग रहा है ये बनेगा भी नहीं। अब नीचे से जा रहे हैं, हमने रूट की क्रॉस कर दिया है, और अभी छुटमलपुर और फिर सहारनपुर की तरफ मुड़ जाएंगे। तो हमारे सामने चल रही है किया की सोनेट, कितनी प्यारी लग रही है। छोटी गाड़ी अगर किसी को लेनी हो तो ये वाली कार बेस्ट है भाई, स्पेस भी काफ़ी है, रॉकेट की तरह चलती है, और भाई डिज़ाइन गजब। ये मेरे ख्याल से टॉप मॉडल है, कुछ लिख रहा है TGDI, ये नई वाली आई है। टोल पे पहुंच गए, सामने आ रहा है लिखा हुआ ब्लैक लिस्ट क्यों आ रहा है ये? बैलेंस नहीं है सर। अच्छा बैलेंस नहीं है तो ब्लैक लिस्ट हो गया, चलो कोई नहीं। कितना कितने का टोल? 80-120 तो पड़े हैं इसमें। अच्छा सिक्योरिटी में 150 होने चाहिए, बैलेंस में 120 है, तो इस वजह से। सरसावा क्रॉस हो गया, यमुनानगर आने वाला है, टोल आ गया। सो वी आर क्रॉसिंग यमुना ब्रिज, ये यमुना रिवर है जो कि देहरादून से राइट 50 किलोमीटर पड़ती है, और देहरादून से पूरे 50 किलोमीटर लेफ्ट में जाओ तो गंगा पड़ती है, देहरादून बिल्कुल बीच में है। तो भाई कम से कम 160 किलोमीटर चल दिए हम 2.5 घंटे में, अब थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लेते हैं फिर आगे।
अभी हमारी डेस्टिनेशन BMW शोरूम चंडीगढ़, 1 घंटा 21 मिनट दिखा रहा है, 11:37 पर बोल रहा है पहुंच जाएंगे। यहां से 80 किलोमीटर और है। आज मैंने बताया नहीं आपको, बता दूं कि हम जा रहे हैं BMW शोरूम, उसका नाम है कृष्णा BMW शोरूम जो चंडीगढ़ में है। तो संदीप को अभी शौक चढ़ रहा है कि बाइक लेनी है और टूर करना है इंडिया का, लेह लद्दाख का, स्पीति का, और सिक्किम, भूटान, नेपाल, हर जगह घूमना है। तो ट्रम्प टाइगर देख रहा है, कहीं BMW देख रहा है, देखता कौन सी बाइक लेंगे। अभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, शाम तक वापस ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, तो मैं भी इसके साथ ही जा रहा हूं। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो भाई चंडीगढ़ से पहले एक टोल है जहाँ पे किसानों का कब्जा है, और ये फ्री ट्रॉली भी खड़ी है और फ्री करवा रखा किसानों ने। ये हमारी एंट्री हो चुकी है, शायद पंचकुला है, मैप में दिखा रहा है पंचकुला एक्सटेंशन लिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये है जयसिंहपुरा। भाई हम पंचकुला देखो चंडीगढ़ में एंटर करने वाले हैं। ये कर गए, अभी हम पुलिस मिली थी तो वो हरियाणा की थी, अब मिलेगी चंडीगढ़ वाली। 9 मिनट का रास्ता रह गया है, 4.5 किलोमीटर है। यहाँ पर भी धूप नहीं है, मतलब हल्की हल्की सी गर्मी है पर धूप नहीं है अभी फिलहाल। तो फाइनली पहुंच गए हैं BMW कृष्णा ऑटोमोबाइल, और भाई पहुंचे हैं कितने बजे, 11:34 पे, आधा घंटा पहले पहुंच गए हैं। भाई मैंने क्या बोला था, जो बोला था वही हुआ, कि हम रुके भी थे 15-20 मिनट रुके होंगे पेट्रोल डलवाने के लिए, यानी कि हम अपने टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच गए हैं। बहुत आराम से कार चला के लाए हैं, इतनी तेज भी नहीं भाई, हम 90 की स्पीड थी, 90-95 इस तरह से। ये वाली लाइट तेरी जली रहती है जो जल रही है, ये वाली, ये तो बढ़िया लगती है यार, बढ़िया लग रही है, ब्लैक बीस्ट। तो अभी आ गए हैं जहाँ पे सर्विस होती है, और भाई ये वाली बाइक देखो, बीस्ट है, बीस्ट, 30 लीटर की टंकी है इसकी। तुझे ये भी लगवाना पड़ेगा एक्स्ट्रा ना ऊपर, तो इससे ना और मदद मिलती है। This moves, right? Not just up and down, but sideways as well. When you lean the bike, according to the lean. So according to the lean angle, the light swivel sideways as well. You are the first customer to take the test ride on this bike. This has just come in 2 days ago only. तो संदीप लेगा ट्राई, इसका नाम है BMW रैली 1250, लाइसेंस वगैरह जमा कर दिया है। इन्होंने जैकेट दी है और हेलमेट भी है साथ में। तो संदीप इज ऑल रेडी फॉर हिज टेस्ट ड्राइव। यहाँ पे ट्रम्प का भी है और काफी सुपर बाइक खड़ी है यहाँ पे, अलग अलग तरह की। कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस, मजा आ गया? तो संदीप ने टेस्ट ड्राइव कर ली है, बोल रहा है कि काफी स्मूथ है, रिफाइन इंजन है और मजा आ गया। इस पे बैठ के ऐसा लगता है कि आप दूर निकल जाओ, लॉन्ग राइड पे, वर्ल्ड टूर पे निकल जाओ, कोई थकावट नहीं, ऐसा लग रहा था किसी गाड़ी में बैठे हो। काफी अच्छा बैलेंस है सब कुछ, किसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन इंडिया राइट नाउ। राइडर व्यू ये आ रहा है, मैं भी बैठ के देख रहा हूँ इस पे। ये वाली भी ट्राई कर भाई, इस पे तो स्टैंड पे खड़े हो फिर बैठो, दोनों का ऐसा है, हाइट इसकी ज़्यादा है ना, हाइट 10 mm। मेरे ख्याल से वो वन वर्ल्ड वन राइड वाले पे यही वाली है। भाई संदीप ने बुक कर ली है ये रैली 1250 BMW, ये तो वाइट कलर की है, इसने ट्रिपल ब्लैक ली है, और बस अभी हम कुछ टोकन अमाउंट दे रहे हैं, बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से बैक टू ऋषिकेश, और ये वाली बाइक 15 दिन के अंदर आ जाएगी संदीप के पास। Oh,
This is one of the biggest bike and the expensive bike BMW make for adventure activity. This is the proper adventure bike with 30 liter tank. You can see the difference. Look at the width. फाइनली निकलते हैं, अब कुछ खाते पीते हैं, बहुत भूख लग रही है। अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे कैफे वगैरह है कुछ, जाते हैं खाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ का फेमस मॉल एलांटे। पूरी चेकिंग हो रही है, खतरनाक वाली। चंडीगढ़ में पार्किंग देखो, इसमें कार खड़ी होती है और ऊपर चली जाती है, फिर बटन दबाते हैं अपनी कार आ जाती है वापस। एलांटा मॉल के पार्किंग में एक पार्किंग ऐसी सिर्फ लड़की लड़की की, मेंस आर नॉट अलाउ लिखा हुआ था। बाद में टाइम पास कर रहे हैं फिर निकलते हैं। चंडीगढ़ का फील कुछ कुछ दिल्ली की तरह आता है, दिल्ली पुलिस की तरह ही चंडीगढ़ पुलिस है, और ऐसी बसें अभी यहाँ चला दी। पंजाबी में लिखा आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर्दियों में यहाँ से मसूरी, सरकुंडा देवी, धनोल्टी के पहाड़ दिखते थे, ग्लेशियर दिखते थे, लेकिन क्योंकि अब मॉनसून चल रहा है तो बादल ही बादल है, अभी कुछ नहीं दिख रहा, कोई हिमालयन क्षेत्र नहीं दिख रहा। अभी हम चल रहे हैं सहारनपुर में। दिस इज द टर्न टुवर्ड्स रुड़की एंड देन हरिद्वार एंड ऋषिकेश। सो रुड़की पहुंचने वाले हैं। रुड़की से पहले आता भगवानपुर, भगवानपुर से लेफ्ट लेना था जो कि हरिद्वार निकलता, भाद्राबाद निकलता, जहां से हम सुबह आए थे जब चंडीगढ़ जा रहे थे, लेकिन सिर्फ 10 मिनट का अंतर था, 10 मिनट स्लोवर था ये रास्ता, तो हमने सोचा रुड़की से निकलते हैं। रुड़की में एक माहेश्वरी स्वीट वाला है जो कि सबसे बेस्ट घेवर देता है। अगर माहेश्वरी स्वीट जैसा घेवर मिलता है राजस्थानी ऋषिकेश में, अब लेते हैं माहेश्वरी स्वीट वाले से घेवर। मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है, आज नहीं रुका जाएगा, आज तो लेना पड़ेगा। तो भाई मैं बहुत खुश था कि रुड़की से निकलेंगे, माहेश्वरी स्वीट से घेवर लेंगे, लेकिन इसने था ये न्यू बाईपास बनाया रुड़की का, पूरा घुमा दिया मैं 360 ऐसे करके, तो अब हम रुड़की नहीं जा पाएंगे। हरिद्वार पहुंचने वाले हैं और राइट साइड में मुझे संदीप ने दिखाया चांद। मैंने लाइफ में ऐसा चांद नहीं देखा भाई, बिल्कुल इतना बड़ा और नीचे, मतलब इतने नीचे की तरफ, क्लोज वेरी क्लोज्ड, और इतना नीचे की तरफ आया हुआ है भाई, मतलब आसमान में नहीं जा रहा दिखना भारी हो रहा है, बार बार बिल्डिंग और पेड़ अड़ रहे हैं इसके आगे। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा भाई इसको, कैमरे से आप नहीं देख पाओगे। और कल 24 तारीख का, कल पूर्णवासी है, मैं हमेशा पता है ट्रैक भी मैंने अर्किदून का इसी दिन किया था, एक महीना हो गया पूरा, लेकिन हुआ क्या था कि हम तालुका विलेज में रुके थे, वो इतना गहरा था कि पहाड़ों में चांद नहीं दिख पाया, और उस दिन आज तक पे भी आरते हम डिनर कर रहे थे वहाँ पे कि चांद आज धरती के सबसे ज़्यादा क्लोज्ड है, लेकिन हम नहीं देख पाए थे। हमारी बदकिस्मती कि तालुका विलेज में चांद नहीं दिखता है, क्योंकि उसके पहाड़ बहुत हाई हैं और विलेज बहुत खाई में है, गड्ढे में, और आज देखो चांद कितना क्लियर दिख रहा है, अमेजिंग, गजब। हरिद्वार पहुंच गए हैं और ये हरिद्वार के पहाड़, इनमें मनसा देवी है, और देखो उस तरफ सनसेट हो रहा है तो किस तरह से लाल लाल पहाड़ दिख रहे हैं भाई। इस फ्लाईओवर को क्या सजाया हुआ है भाई, देख बहुत ही सुंदर, मतलब अलग 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 तरह की लाइटें जल रही हैं और ओम लिखा हुआ है, कहीं संतों की नगरी, अलग अलग चीज़ें, ये कुंभ की तैयारी थी भाई। तो रूफ टॉप से भाई फोटो लेते हैं चांद का, ये तो लाइट है, चांद वो है। भाई कल पूर्णवासी है और ये देख लो चांद, गजब लग रहा है, और ये उसी एरिया में दिख रहा है राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर दिख रहा है, ये भी राजाजी नेशनल पार्क है लेफ्ट में, और ये मनसा देवी का टेंपल ऊपर की तरफ, और इस तरफ राजाजी नेशनल पार्क और ये चांद। तो भाई पहुंच गए हैं ऋषिकेश और राजस्थानी के यहाँ पे, अब लेते हैं घेवर। पहुंच गए हैं घर संदीप के अपार्टमेंट पे, और जोनी भाई भी मिल गए हैं, और अब यहाँ से बुलेट उठा के निकलते हैं अपने कमरे पे। घेवर ले लिया, घेवर खा लिया, पेट भरा हुआ है, और ये दो दो दे रखे हैं इसने तो, 500 रुपए में 1 किलो दो मिल गए, खाओ खाओ जी भर के। तो भाई ये बेस्ट घेवर है, मजा आ गया, ऐसा वहाँ रुड़की में नहीं, महेश्वरी वाला
वो निकल गया, नहीं तो वहाँ खाते। तो भाई घेवर आ गया, फेवरेट जो चाहिए था मिल गया, मावे वाला घेवर। 9:45 हो रहे हैं, संदीप को लग रही है भूख, मेरा तो खैर पेट घेवर में भर गया, पर मुझे पता रात को मुझे भी भूख लग जाएगी, तो इसलिए चलते हैं आज, तीनों ही जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने, और मौका मिलेगा तो गंगा किनारे चले जाएंगे। और सोच रहे हैं फ्रॉग लाइफ कैफे जाने की, पर वो थोड़ा दूर है, आज देखते हैं ग्रीन हिल होटल। तो आज हम डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, आज है रावत ढाबा पे। 80 रुपये की थाली कर दी भैया ने, पहले 70 की थी, तो इसमें ये दे रहे हैं सब्जी, दाल, रायता, रोटी, चावल भी दोगे ना, लो आज ये खाते हैं। तो रावत जी के ढाबे पे खाना तो खा लिया है, अब हम आ गए हैं तेसाई घाट, और यहाँ से फुल मून देखो किस प्रकार दिख रहा है मणिकूट पर्वत के ऊपर, बहुत अच्छी हवा चल रही है। भाई के पास मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जिसको ओपन करो और आसमान की तरफ कर दो, सब बता देगा कि कौन सा तारा कौन सा है। ये जुपिटर है इधर, अच्छा ये तारा जुपिटर है, ये जो बड़ा सा दिख रहा है सामने, बड़ा जुपिटर ही दिखता है। 12 बज गए हैं, हमें बैठे बैठे यहाँ पे, और अब वापस जा रहे हैं, संदीप को ड्रॉप करके पहुँचते हैं अपने रूम पे, चलते हैं संदीप के अपार्टमेंट से अपने रूम पे। और कल फ्राइडे है ना, ये क्या है, कल संदीप निकल जाएगा मेरठ और फिर वो आएगा 2-3 दिन में। तो पहुंच गए अपने घर पे, अपने रूम पे, अब नहा धो लिया हूँ, अब कैमोमाइल जो टी कल खरीदी थी वो पी रहा हूँ। और देखो भाई यहाँ चींटियाँ बहुत हैं, ये घेवर हम लाए थे ना तो अभी ध्यान आया भाई इसको तो सुबह तक चींटियाँ नहीं छोड़ेंगी अगर मैं अंदर ऐसी रख दूंगा। तो एक हैंगर, फिर दूसरा हैंगर, फिर तीसरे हैंगर पे ऐसे टांगा हुआ है, अब देखते हैं सुबह तक चींटियाँ यहाँ पहुँच पाएंगी या नहीं पहुँच पाएंगी।